नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा। ये कैसुला का प्लांट है जो पत्तों से ही इसकी खूबसूरती पहचानी जाती है। ठंड का पौधा है, बहुत ही प्यारा लगता है। जैसे पत्ते प्यारे हैं वैसे इसके फूल भी बहुत ही प्यारे होते हैं। इसकी मैंने छोटी छोटी कटिंग करके लगा दी थी ठंडी बरसातों में, और सारे कटिंग चल दिए हैं। सारी कटिंग अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और इसके पत्ते से भी ये लग जाते हैं। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, पत्ते से भी लगा रखी हूँ। इसके फूल ठंड में आते हैं, जो एक बार आते हैं दो तीन महीना फूलते हैं। ये पत्ता मैं दो दिन पहले लगाई हूँ तो इसको नहीं निकालूँगी। ये 15-20 दिन पहले लगाई हूँ तो इसको देखती हूँ इसमें जड़ आए हैं कि नहीं है, और देखते हैं खून निकाल के। बहुत ही इजी ग्रो प्लांट है, इसको आप ज़रूर लगाएं। कहीं से देखिए इसमें आ गए हैं जड़, 15-20 दिन पहले लगा रखी थी। नहीं पौधे कोई कहीं से मिल रहा है तो आप पत्ते से भी इसको कहीं मिल जाए तो लेके ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे इसके फूल होते हैं, देखिए इसमें आ गए हैं जड़। अब इसको आप गमले में शिफ्ट कर दें या वहीं ज़मीन पर ही लगा दूँ, इसमें से प्लांट भी निकलने लगेंगे। मैंने कई कटिंग करके लगाई हूँ, सब लग गए हैं। इसको नहीं निकालूंगा, 15-20 दिन बाद इसकी फिर निकालेंगे तो देखेंगे जड़ होगा तो फिर कहीं और शिफ्ट करेंगे। बहुत ही इजी प्लांट है ये, ठंड के पौधे हैं तो इसको गर्मियों में कम धूप मिले तो अच्छा है। तो मैंने गमले से निकाल के ज़मीन में लगा दी हूँ, और एक ही प्लांट से मैंने कई प्लांट बना लिया है। ठंड में इसमें फूल आएगा तो अब इसमें केयरिंग करना होगा थोड़ा सा। मैं इसमें गोबर का खाद और चाय पत्ती अंडे का छिलका डालूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।